हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये कैलेथिया लीथर प्लांट और कैलेथिया रेटिन स्नेक प्लांट है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, पर इसकी खूबसूरती इन पत्तों से है। आप ये देखेंगे, ये बहुत खूबसूरत पत्ते हैं और बैक साइड इस तरह से इनके है, पर ये एक हार्डी प्लांट होने की वजह से एक सकुलेंट प्लांट की तरह इनकी केयर करनी पड़ती है और ये अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे पास आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं, इनको मैं लीफ से भी ग्रो करना दिखाऊंगी और इनकी बस सोयल और आप धूप का ध्यान रखें, सकुलेंट प्लांट की तरह तो ये आपके पास बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे आपके गार्डन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनकी सोयल और धूप और पानी का और फर्टिलाइजर का इनका ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी बातें मैं आपको अपने जहाँ पे मैंने पोर्ट में लगाया वहाँ पे दिखाऊंगी। प्लांट सेलेथिया रेटन स्टोन प्लांट और मार्टिना प्लांट बोलते हैं, पर हमारी स्थानीय भाषा में नर्सरी वालों ने बताया कि इसको लैला मजनू का प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसके लीफ दो तरह के हैं, यहाँ पे पर्पल शेड है और अंदर से ये वाइट और सॉरी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन है। अब हम इसकी सॉयल की बात कर लें, ये हार्डी प्लांट मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सकुलेंट प्लांट की तरह इसकी केयर करनी पड़ती है, पर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसकी लीव्स मुड़ गई हैं, क्योंकि मैंने इसको 3-4 दिन से पानी नहीं दिया है, उसका भी मैं आपको कारण बताऊँगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं सॉयल की, इसको ऐसी सॉयल चाहिए जो कि दोमट भी हो, साथ में हमारा पानी भी वो होल्ड करती है। इसमें हम सॉयल लेंगे 50% गार्डन सॉयल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट जिसे हम मिक्स कर लेंगे और जिसमें पानी होल्ड करने की ताकत हो, आपने ऐसा पानी लेना है। पानी का मतलब ये है कि इसका ड्रेनिंग सिस्टम भी बढ़िया हो, पानी रुका भी ना रहे और इसका मॉइस्चराइज भी बना रहे। बस पानी सॉयल की ऐसी आपने तासीर लेनी है कि इसका सॉयल जो है वो पानी को होल्ड भी करे और साथ में ड्रेनिंग सिस्टम भी इसका बढ़िया हो। तो ये हमारी सॉयल की बात होगी। पानी हमने कैसा देना है, पानी इसको हमेशा हमने इसको मॉइस्चराइज रखना है। ये एक गर्म देश का प्लांट है तो इसके लिए हमने हमेशा इसकी सॉयल को मॉइस्चराइज रखना है, ज़्यादा पानी भी इसको गारे की तरह नहीं रखना मिट्टी को, और साथ में इसको पानी इतना देना है कि ये बिल्कुल गीला गीला सा रहे सॉयल इसकी। तो पानी हमने इसको और इसकी पत्तियों को आप शावर जरूर कर दें, जैसे मैंने एक दो अपनी वीडियो में बनाया है उसमें मैंने आपको बताया कि इन प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपनी पत्तियों के शावर कर देते हैं तो जो ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये पत्तियाँ अब मुड़ी हुई हैं, ये मैं कैमरा आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये पत्तियाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड हो गई हैं जैसे गोल गोल कलम बनी होती है, या इधर वाली साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पत्तियाँ ऐसे मुड़ चुकी हैं। तो ये वजह यही है कि इनको 2-3 दिन से शावर नहीं मिला है। अगर हम इसको शावर भी कर देते हैं तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, तो इन पत्तियों में ये हो जाता है कि ये मुड़ती नहीं है। और पानी आपने इनको सकुलेंट प्लांट की तरह देना ही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, तो पानी आप बहुत अच्छी तरह से इसको दें, पानी रुका ना रहे, पर गिल्ली हो इसकी सॉयल। दूसरा तीसरे नंबर पे इसका आ गया फर्टिलाइज़र, इसको कम से कम फर्टिलाइज़र चाहिए, ये हार्डी प्लांट है, इसको फर्टिलाइज़र कम से कम दें, इसको लिक्विड कभी भी फर्टिलाइज़र मत दें, इसको हमेशा जो है हार्ड फर्टिलाइज़र दें, पाउडर फॉर्म में आप वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, डीकम्पोस्ट, और जिसमें हम डीकम्पोस्ट खाद में ये होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन से ये होता है कि इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन बनेगी और ये पर्पल शेड भी बना रहेगा इसका। तो इसलिए आप तकरीबन 6 मंथ के बाद इसको नाइट्रोजन की खाद दें और वो भी पाउडर फॉर्म में, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में ये होता है कि जल्दी जल्दी हमारे सॉयल में मिक्स नहीं होती और धीरे धीरे वो हमारे प्लांट्स को देती रहती है। और इससे ऐसे होता है नाइट्रोजन की अगर मात्रा मिलती है तो फोटोसिंथेसिस ये होता है कि सूर्य की किरणों से हमारी जो प्लांट्स है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो और इससे हमारे जो पत्ते हैं वो ग्रीन रहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए इनको शावर किया तो इनकी पत्तियां अब खुलनी शुरू हो गई हैं,
तो आप ये फ़र्क देखें कि आप सुबह शाम इन प्लांट्स को शावर दें, धूप इनको ज़्यादा धूप भी मत दें और कम धूप भी मत दें, इनको पार्शल एरिया में रखें ताकि जो इनके लीव्स का कलर है वो बरकरार रहे। अगर हम इनको ज़्यादा उसमें रखते हैं तो इनके टिप्स जो हैं वो ब्राउन शेड के हो जाएंगे ऐसे, तो इसलिए आप हमेशा इनको पार्शल एरिया में रखें, इनका कलर ख़राब ना हो और इसकी टिप्स जो हैं वो ब्राउन शेड की ना हो, और जहाँ पे अपने पत्तों की बड़े वृक्षों की छाया हो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास बड़े वृक्ष नहीं हैं तो आप बहुत से गमले एक साथ रख के आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। धूप हो गया, सारी चीज़ें होगी। अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ इसको निकाल के कि ये जो प्लांट है ये अपने आप ही ग्रोथ करता है। मैं एक प्लांट लेके आई थी पर यहाँ पे इसने इतनी ग्रोथ की है कि चार पांच प्लांट अपने आप बन गए हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि जो इसकी रूट्स हैं अगर इसको भी आप काट के धरती में दबा देते हैं, अपने पोट में दबा देते हैं ऐसे करके, आप ऐसे अगर आप इसको पोट में दबा देते हैं, इसको भी आप पोर्ट में दबा देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद इसने ग्रोथ करनी शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है, ये ऐसे ये छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं ये अपनी रूट्स धीरे धीरे बना के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इन प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्ट्स में लगा लें और अपने कलेक्शन को बढ़ा लें। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। आपका यहाँ स्थानीय भाषा में इसको लैला मजनू के नाम से इस प्लांट को देंगे वो नर्सरी वाले, तो इस प्लांट्स की थोड़ी सी केयर करें तो ये आपके पास हमेशा बना रहेगा।